Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about a new concept, or we can say innovative concept in civil engineering. I hope this will be helpful for you all. तो आज का हमारा subject है self-healing concrete और bio concrete. पता है अगर कंक्रीट में क्रैक आ जाए तो हमें उसे मैन्युअली रिपेयर करना पड़ता है. बट टू रिप्लेस दिस प्रोसेस वी हैव वन अल्टरनेटिव आइडिया. दिस आइडिया विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अस, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम पर अभी रिसर्च चल रही है. वी विल टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. बट एट द स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और बायो कंक्रीट. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर सम पॉइंट्स ओवर हियर. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में आपको मैं ये बताऊंगी कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट क्या होता है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन. सेकेंड वन इज नेसेसिटी. थर्ड वन इज बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, इस बैक्टीरिया की ज़रूरत इस कंक्रीट में क्यों पड़ी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस बैक्टीरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस कॉन्क्रीट, और वी कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑल्सो. इस कंक्रीट में जो मेन प्रोसेस है वो इस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है. ये बैक्टीरिया बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्रिएट करता है और उसकी वजह से हम उसे बायो कंक्रीट भी कहते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज मिक्सिंग, वर्किंग, टेस्ट ऑन सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, कंपैरिजन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन. सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और बायो कंक्रीट. अगर आप इसका नाम देखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी, दैट इज सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, द कंक्रीट विच हील्स इटसेल्फ. बट देयर इज वन कंडीशन, इट हील्स इटसेल्फ ओनली व्हेन इट कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर. और जब ये एयर एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, इसके अंदर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट प्रोड्यूसेस लाइम ऑन इट्स आउटर एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट. दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट, और वी कैन से बायो कॉन्क्रीट. अब हमें पता है मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कॉन्क्रीट जो होते हैं उसके अंदर 20-30% सीमेंट जो होता है वो अनहाइड्रेटेड रह जाता है. अगर ये अनहाइड्रेटेड सीमेंट आगे जाके एक लिमिट पे क्रैक होता है तो अंदर का जो अनरिएक्टेड कॉन्क्रीट है वो बाहर के मॉइस्चर को एक्सपोज हो जाएगा. एज वी नो, व्हेनेवर वी ऐड सीमेंट एंड वाटर, अ प्रोसेस टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन प्रोसेस. व्हेन मॉइस्चर इज पेनिट्रेटेड इन द कॉन्क्रीट और सीमेंट, देन हाइड्रेशन प्रोसेस गेट स्टार्टेड. सो इस हाइड्रेशन प्रोसेस के कारण हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो कि लाइमस्टोन हम कह सकते हैं, वो हमारे कॉन्क्रीट के क्रैक्स फिलअप करने के लिए काम आ सकता है. सो दिस वॉज द जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी. क्यों हमें सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट की ज़रूरत पड़ी, और वी कैन से वाई वी आर फाइंडिंग द न्यू अल्टरनेटिव. एज वी टॉक अबाउट द कॉन्क्रीट, वी नो दैट द कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन एंड वीक इन टेंशन. बट हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें टेंसाइल फोर्सेज भी होते हैं. सो टू रेजिस्ट दीज टेंसाइल फोर्सेज वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट इन द कॉन्क्रीट. अब जो ये कॉम्बिनेशन है स्टील और कॉन्क्रीट का, उसे हम RCC कहते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट. ये कॉम्बिनेशन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को भी रेजिस्ट कर सकता है एज वेल एज टेंसाइल फोर्सेस को भी रेजिस्ट कर सकता है. लेकिन टेंसाइल फोर्स जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए कि कॉन्क्रीट भी उसे रेजिस्ट ना कर पाए, तो उसमें क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ क्रैक्स रेनफोर्समेंट विल एक्सपोज टू द एटमोस्फियर एंड सो मेनी कॉजेस विल टेक्स प्लेस लाइक वेदरिंग, कोरोजन एक्सेट्रा. उसके कारण हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो कम हो जाती है. टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैरी मेनी मोर मेथड्स सच एज फिलिंग द क्रैक्स, पोरिंग एंड मेनी मोर ट्रीटमेंट्स. बट ये जो मेंटेनेंस का काम है हमें टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है उस बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के लिए. बट नाउ वी हैव वन अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ वन बैक्टीरिया विच इज जीनस बैसिलस. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फर्डिनांड कॉर्न. उन्होंने 1877 में ये बताया था एक बैक्टीरिया है जीनस बैसिलस जो कंक्रीट को हील कर सकता है. सो हियर इज दैट बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया की एक खासियत है कि इसकी जो आउटर वॉल होती है वो इतनी कैपेबल होती है कि वो सनलाइट, किसी भी तरह का केमिकल एक्सपोजर,
और किसी भी तरह के जो दूसरे इफेक्ट्स होते हैं उनको रेजिस्ट कर सकती है. सो वी यूज दिस बैक्टीरिया फॉर दिस सेल्फ फीलिंग कॉन्क्रीट. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सिंग. अब मिक्सिंग में ये तो नहीं हो सकता कि पहले हमने कॉन्क्रीट मिक्स कर लिया उसके बाद में उसमें बैक्टीरियाज ऐड कर दिए. इट्स नॉट लाइक दैट. बैक्टीरियल स्पोर्स, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट आर मिक्स टूगेदर विच रिजल्ट एज सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट. बट टू हेल्प मिक्सिंग वन प्रिकॉशन शुड बी टेकन दैट बैक्टीरिया एंड सीमेंट शुड नॉट बी अलाउड टू मिक्स टूगेदर विद द क्ले पैलेट. एज यू सी टू पिक्चर्स ओवर हेयर विच इज बैक्टीरिया इन कॉन्क्रीट. As I told you, the bacterial spores is nothing but the bacteria which we are going to use in self-healing concrete. When we mix these bacterial spores into the concrete, this looks like a black spot in the concrete. Ab hamara next point hai working. Ab iski working kya hogi? As I have told you earlier that the self-healing concrete is the concrete which heals itself by biologically producing the limestone. You can see the reaction on the screen. कैल्शियम लैक्टेट की वजह से हमें जो लाइम स्टोन मिलता है वो हमारा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होगा. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. जब मिक्सिंग हो रही होती है कॉन्क्रीट की तभी उसी वक्त हमें उसमें जीनस बैसिलस, कैल्शियम लैक्टेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो होते हैं उसी वक्त उनको उस कॉन्क्रीट मिक्सचर में ऐड करना पड़ता है. So our next point is test on self-healing concrete. So here are two cases, which is case A and case B. इसके अंदर एक concrete structure दिया गया हुआ है और picture के right hand side पे जो है वो reinforcement provided है and throughout जो structure है वो concrete का है and there is a crack in it and these small dots are bacteria or we can call as bacterial spores. When this spores comes in a contact with the atmosphere, a biological activity gets started and it produces a lime on the outer area of the concrete and it heals the crack. We can see the filling of the crack in the case B. इसका एक advantage भी है कि ये छोटे से छोटा crack भी भर देता है. इसकी वजह से जो moisture होता है वो अंदर तक नहीं पहुँच पाता और हमारी reinforcement भी खराब नहीं होती. तो इसे हम इसका मेन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं. सेल्फ फीलिंग कॉन्क्रीट जो है उस पर कुछ टेस्ट हुए थे. हिंक जॉन्कर्स जो एक साइंटिस्ट है और उनकी टीम, उन्होंने 2011 में इस सेल्फ फीलिंग कॉन्क्रीट पर कुछ टेस्ट किए थे. उन्होंने कन्वेंशनल कॉन्क्रीट और सेल्फ फीलिंग कॉन्क्रीट के कुछ नमूने तैयार किए और उन्होंने उन नमूनों को 3 से 5 सालों तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा और उन्होंने जानबूझकर उसमें एक क्रैक पैदा कर दिया जिससे वो देख सके कि कितनी जल्दी ये क्रैक हील कर लेता है. और उन दोनों के बिहेवियर को कंसीडर करके उन्होंने उनका कंपैरिजन बता दिया. तो हियर इज कंपैरिजन बिटवीन द कन्वेंशनल कॉन्क्रीट एंड सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट. एज वी कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ्स. This graphs shows time to performance ratio. So on right hand side we can see the behavior of the self-healing concrete and on the left we can see behavior of the conventional concrete. अगर अब हम conventional concrete की बात करें तो starting में जब structure new है तभी इसमें कोई भी problem दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक extent के बाद इसमें cracks आने शुरू हो जाएंगे. हम वो cracks maintain भी कर सकते हैं by filling it manually, but after some days the cracks will occur again and we have to maintain it again. ये बहुत बार हो जाएगा, but एक time ऐसा भी आ जाएगा कि ये इसकी safety level पार कर जाएगा and the structure will be fail. So there is a high maintenance cost in conventional concrete. अगर हम बात करें self healing concrete की तो इसके बहुत सारे benefits हैं. At the starting, the structure will perform very good, but after some time, it will start to get cracks. But these cracks will be healed by itself because of the bacteria, and there is no need of the manual maintenance. But अब ये कहा जा रहा है कि self-healing concrete की जो age है, वो 200 से 300 साल है, and because of this point, the self-healing concrete has one of the most powerful advantage here. There is one big problem of self-healing concrete is high cost.
इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी हाई कॉस्ट होने की वजह जो है वो है कैल्शियम लैक्टेट। अगर हम कुछ भी करके इसकी जो वैल्यू है वो कम कर पाते हैं तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल आइडिया इन सिविल इंजीनियरिंग, बट दिस आइडिया इज नॉट पॉसिबल गेट। अगर हम अगले ग्राफ्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कन्वेंशनल कंक्रीट में जो है वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, लेकिन उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। लेकिन हम देखेंगे अगर सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की तरफ तो हमें पता चलेगा कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की इनिशियल कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा है। तो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट में कोई भी खर्चा नहीं है, लेकिन उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो ही सबसे ज़्यादा है। इसके लिए ये बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता है, और दिस इज द ओनली वन डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट। सो हियर आर द एडवांटेजेस ऑफ द बायो कॉन्क्रीट। फर्स्ट इज रिडक्शन इन परमेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, रिडक्शन इन करोजन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। थर्ड वन इज बेटर रेजिस्टेंट टूवर्ड द फ्रीज दैट अटैक द रिडक्शन। And last one is increase in durability of the concrete. After the advantages, there is disadvantages of bioconcrete. First one is cost of the bacterial concrete is double than that of the conventional concrete. For design of the mixed concrete with the bacteria, there is no available any IS code or any other codes. Investigation of the calcite precipitation is costly study. After the advantages and disadvantages of self-healing concrete, here is the most important point, which is application of self-healing concrete. Bacterial concrete extend the life of bridges, streets and tunnels, etc. and opens up completely new perspective for the concrete production. This forward-looking innovation is successful combination of microbiology and the civil engineering. These two sciences that are unlikely to collaborate at the first glance. So here is our last point, which is conclusion. अब यहाँ तक आके हम इजीली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट है वो क्रैक रेजिस्टेंट है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और सेकेंड पॉइंट हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट है वो कॉन्क्रीट को क्रैक से बचाता है और रेनफोर्समेंट को कोरोजन से बचाता है। Now, our third point is it prevents water to percolate into the reinforced steel concrete, and hence it does not come in contact with the reinforcement. And our last point is important, which is it increases the strength of the concrete as compared to the conventional concrete. So friends, this was the whole concept about the self-healing concrete or bioconcrete. If you have any type of questions regarding this video, you can contact me on my Instagram ID, which is civilbug4799, or you can comment it below. I will try my best to solve your problems. And at the last, I would like to thank you all for your great response on my first video of the overview on structural audit. So if you like this video or you found this video helpful, then please like, comment, share and subscribe. And thank you once again.